लोग भगवान शिव को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय किया करते हैं। कोई अपने बदन में किला घोंपता है, आप देखे तस्वीरों में कि किस तरह का किला हुआ करता है। ये किला कहाँ लेके जा रहे हैं? ये पीठ पे लगाएंगे। किसका? वो जो त्योहार किया हुआ है उनके पीठ पे लगाएंगे। आप लोग लगाते हैं? तो जब लगाते हैं तो उसको दर्द नहीं होता? कुछ नहीं हो जाता है। कितने सालों से ये कर रहे हैं? ये मैं 4 साल से हो रहा हूँ। देखिए, 4 सालों से ये लगाया करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। जो गांव देहात के बच्चे हुआ करते हैं वो अपने बाप दादाओं से ये कहानियों को सुना करते हैं और उसी को पूरा किया करते हैं। इस शिव मंदिर में भी देखिए कई नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने पीठ पे किला घोंपेंगे और अपने भगवान शिव को खुश करने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? पूजा करने जा रहे हैं। किला अपने बदन पे इतना बड़े बड़े किला क्यों लगा रहे हैं? शिव जी का खुश करने के लिए। तो डर नहीं लगता है? नहीं सर। तो कैसे लगेगा ये किला? हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं, आप देख ले। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, घबरा सकते हैं आप, लेकिन जो लोग दिल के मरीज नहीं है वो लोग ये तस्वीर को जरूर देखें, लेकिन जो लोग दिल के मरीज है इस तस्वीर को ना देखे क्योंकि आपको डर भी लग सकता है। तस्वीरें देख के आप घबराए नहीं। देखिए, ये शख्स अब भोक्ता पर्व के लिए तैयार है। इसने अपने पीठ पर 2 कील भी गड़वाए हैं। मतलब दर्द हो रहा है? नहीं सर। क्या दिल में मनोकामना है? और कांटा लेने का कामना है। और कांटा? तो अपने अपने पीठ पे और कांटा लेना चाहते हैं। क्या मांगा है भगवान से? भगवान से दुआ मांगेगी। दुआ मांग रहा है। आप देख ले कि भगवान शिव को मनाने के लिए कैसे कैसे लोग अपने शरीर पे कष्ट किया करते हैं। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम आपको बताएं कि वो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि जिधर मेला लगा हुआ है। ये मेले का जो शक्ल आप देख रहे हैं, ये दूर तक मेला लगा हुआ है। ये जमगुड़िया का शिव मंदिर है और यहाँ पर पूरा दिन भर जितने भी अगल बगल के गाँव के लोग हैं वो इस जगह पर आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और भोक्ता पर्व की आनंद भी उठाते हैं। लेकिन हम आपको वो तस्वीर जरूर दिखाएंगे जो यहाँ का सबसे दुर्लभ तस्वीर है।